नमस्कार, आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी उसमें से 1621 शिक्षकों की मृत्यु हुई, किंतु उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमान सतीश द्विवेदी जी ने अपनी लिखित जो श्रद्धांजलि व्यक्त की है उसमें मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु को स्वीकार किया। जब श्रीमती प्रियंका गांधी ने इस बात को लेकर ट्वीट किया कि इससे तो वे लोग मुआवजे से वंचित रह जाएंगे, तो उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई किया कि सिखों का नरसंहार। तो सर्वप्रथम तो ये बहुत ही असंवेदनशील बात है कि जिस सरकार ने जबरदस्ती अध्यापकों को विवश किया कोरोना काल में ड्यूटी करने के लिए, उन्हें धमकी दी, उन्हें फोर्स किया कि सस्पेंशन हो जाएगा, तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया, और अब उनकी शहादत को, ये प्रशासनिक हत्याएं हैं, मैंने पूर्व में भी कहा है, और अब जबकि उनके मृतक आश्रितों को उनके स्थान पर नौकरी और मुआवजा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये वही शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षा इन्हीं शिक्षकों ने सीएम कोविड केयर फंड में 72.47 करोड़ रुपया सरकार को कोविड से लड़ने के लिए रिलीफ फंड में दिया था। परिवहन निगम के 2.47 करोड़ रुपीस परिवहन निगम के कर्मचारियों ने दिया था। आज जब उस विभाग से जुड़े लोग प्रशासनिक असफलताओं के कारण कोरोना काल में मृत्यु के शिकार हो रहे हैं ड्यूटी के दौरान, तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमान सतीश जी का यह कहना कि या तो मृत्यु मतदान के दिन हुई हो या फिर मतगणना के समय हुई हो तभी सरकार मुआवजे के लिए अधिकृत करेगी, तो मुझे लगता है कि वो अनाज का सेवन करते हैं भोजन में या घास का सेवन करते हैं, इस पर संशय है। सरकार अगर अपनी प्रजा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, अपने कर्मचारियों को संवेदनशीलता और नैतिकता प्रदर्शित नहीं कर सकती, तो हम किस आधार पर यह स्वीकार करें कि इस लैक ऑफ लीडरशिप, इस पैंडेमिक हैंडलिंग की मिसमैनेजमेंट की सरकार कोई जिम्मेवारी लेगी। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने स्वतः जब संज्ञान लिया तब कहा कि 135 शिक्षकों की मृत्यु हुई, इसे सरकार पर हत्या का मुकदमा क्यों न चलाया जाए, तो दंडात्मक कार्यवाही तो राज्य निर्वाचन आयोग पर होनी चाहिए, कार्यवाही उस टीम 11 पर होनी चाहिए जिसने सैकड़ों फर्जी मीटिंग की और सीएचसी और पीएचसी में बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है, कार्यवाही नाइजीरिया के उस मुख्यमंत्री पर होनी चाहिए जिसके काल में लाशें पानी में तैर रही हैं, सामूहिक दाह संस्कार हो रहे हैं, 10 किलोमीटर लंबी लाइन प्रयागराज में और बनारस गोरखपुर चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आंकड़ों की बाजीगरी, हेडलाइंस का मैनेजमेंट और ये बूट लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमान सतीश द्विवेदी जी के ट्वीट, ये सरकार जो खुली आंखों से देख नहीं सकती, जब मजदूर पैदल चले तो उन्हीं श्रीमती वाड्रा ने 1000 बसें इन हाईवेज पर उतारी थी जिसके कागज सरकार ने चेक करे थे, जब विधायक खरीदने हो, जब मुख्यमंत्री बनाने हो, जब तोड़फोड़ करनी हो, जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को गिराना हो तब आप कागज नहीं चेक करते। टनों राशन अमेठी रायबरेली भेजा गया, साबुन तेल डेटॉल और आधारभूत तमाम जरूरतें, ऑक्सीजन का टैंकर सिलेंडर कंसेंट्रेटर, यूपी कोविड हेल्प डेस्क लगातार, लेकिन तब विपक्ष की साजिश है अगर तो खुले नेत्रों से जब श्रीमान सतीश द्विवेदी जी सिर्फ 1621 शिक्षकों की मृत्यु को देख नहीं सकते, उन्हें मात्र 3 दिखाई दे रही हैं, तो माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे दिशाहीन बुद्धिहीन शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से निष्कासित या निलंबित किया जाए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बने रहने की योग्यता, नैतिकता या दायित्व निर्वहन की क्षमता तीनों वहन नहीं करते। अभी तो मुझे लगता है कि जो आधारभूत लोग आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं और जिस प्रकार झूठ और फरेब की केंद्र और प्रदेश सरकार नकली सपने और झूठे वायदे को लेकर जो देशवासियों के हितों और स्वास्थ्य और मतलब खुली आंखों में जो धूल झोंकने का काम कर रही है, तो इन बेसिक चीजों पर बात की जाए, मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सुरेश यादव जी, शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप सबसे अनुरोध है कृपया रिव्यू सेक्शन में अपना कमेंट लिखें और अपने विचारों से मुझे समय समय पर अवगत कराएं, जरूर आपसे दोबारा बात होगी।